हेलो, आई एम पुलिस शर्मा और आज मेरा 21 मई को इंग्लिश और जीटी का एग्ज़ाम था। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में मतलब वो मॉडरेट था, इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और इजी तो था, वो खैर कह सकते हैं कि इजी था। तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे और एक दो क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थे और एक्टिव पैसिव वॉइस भी आई थी और सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी ज़्यादा नहीं थे, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कम था। बाकी पैराग्राफ वो तीन पैराग्राफ आए थे, उससे क्वेश्चंस आए थे और उससे वही ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस थे कि ओवरवेम के बाद क्या है, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी थे। और जीटी का भी एग्ज़ाम इजी था, उसमें जनरल नॉलेज ज़्यादा आई थी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी तीन चार थे, ज़्यादा नहीं थे, और क्वांट कम थी और रीजनिंग ज़्यादा थी, रीजनिंग के क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा दिए गए थे। तो वो दोनों पेपर इजी थे और कह सकते हैं मॉडरेट थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। और जो साइंस वाले जो जीके में क्वेश्चंस थे, तो साइंस के क्वेश्चंस ऐड थे, ह्यूमैनिटीज के भी ऐड थे, तो सारे क्वेश्चंस मिल जुल के हम कर सकते हैं। थैंक यू।